अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 88। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि 3D टेक्स्ट को किस तरह हम आप कोई भी टेक्स्ट जो है उसको 3D में किस तरह लिखते हो, उसके अलावा 3D में आप एक्सप्लोर किस तरह करते हो टेक्स्ट को, और भी काफ़ी सारे कमांड्स देखेंगे जो कि हमने 3D में टेक्स्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे। और उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। सबसे पहले यूनिट को सेट करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास यूनिट सेट है कि नहीं। यू एन एंटर, हाँ यहाँ से यूनिट सेट करता हूँ, आर्किटेक्चर एंड 0 फुट 0 इंच। ओके, टेक्स्ट लिखने के लिए दो तरीके हैं, तो आप टी एंटर करेंगे तो टी के लिए आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए कंप्लीट TEXT लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। क्लिक फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड F8 प्रेस करता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए। और टेक्स्ट की जो हाइट देना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ से, मैं फॉर एग्जांपल 10 फीट या 5 फीट इसको हाइट देना चाह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ 10 फीट हाइट आ जाए। 10 फीट लिख के मैं एंटर करता हूँ और एंगल इसका जो मैं देना चाह रहा हूँ वो 0 0 एंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट आ गया पास, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, तो टेक्स्ट में लिखता हूँ यहाँ पर ऑटो गेट AutoCAD स्पेस 2015। ओके, काम करने के बाद आप एंटर करें 3 बार, एंटर एंटर करें 2 बार, और यहाँ पे आप देखिए आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है। और टेक्स्ट का साइज चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए मैं जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ। टेक्स्ट अपनी ओरिजिन पॉइंट में आ गया और अपने सही पॉइंट में आ गए, और यहाँ से यूज केस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लाने के लिए यूसी एंटर, डिस्प्ले यूसीएस एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को 3D में लाने के लिए आपने क्या करना है, अब अगर इसको मैं अभी मैं इस पर कोई कमांड यूज़ करता हूँ तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा, तो इसको 3D में लेके जाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है आपने एक्सप्रेस टूल के ऊपर क्लिक करना है। एक्सप्रेस टूल में आपके पास यहाँ पे मॉडिफाई टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को करना है एक्सप्लोर, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एक्सप्लोर पे मैं क्लिक करता हूँ, आपने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपने और राइट क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट एक्सप्लोर हो गया देख सकते हैं। अब जब ये एक्सप्लोर हुआ तो यहाँ पे देखें, इसमें आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखें ये टेक्स्ट जगह जगह से टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं अलग अलग क्या हुए देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक और कमांड, दोबारा एक और कमांड यूज़ करनी है जो कि नॉर्मल डिफॉल्ट कमांड है। होम में जाएं, जाके आपने मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ से आपने ये वाली एक्सप्लोर कमांड यूज़ करनी है जिसकी शॉर्ट कमांड है एक्स, और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड राइट क्लिक करें, आपके टेक्स्ट आपकी कमांड एक्सप्लोर हो गया। और अब इसमें ये जो वर्टिक्स रह गए यहाँ पे आप देखें जो लाइन्स हैं, इस लाइन्स को आप डिलीट करें, क्लिक करें सिलेक्ट करें डिलीट सिलेक्ट करें डिलीट, तो ये 2 टाइम होंगी ये लाइन, तो इनको आप डिलीट कर दें। और अगर आप बार बार डिलीट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए आपने जो यूज़ करने है कमांड वो आपने यूज़ करनी है जी, अरेज कमांड यूज़ करनी है। अरेज के लिए ई एंटर करेंगे या फिर यहाँ पे आपने अरेज पे क्लिक करना है और इसको क्रॉस में सिलेक्ट करना है। देखिए इसको इस तरह क्रॉस में आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे, देखें तो एक बार सिलेक्ट करने से सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। नहीं सॉरी, राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करें, देखें डिलीट हो गया देख सकते हैं। तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और नॉर्मल आप अरेज भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं अरेज को रिकमेंड करूँगा। ये एंटर करता हूँ और इसको क्रॉस में सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ क्रॉस में, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ क्रॉस में, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ क्रॉस में एंड इसको भी। तो आपने सारे को क्रॉस में सिलेक्ट करें ताकि आपका अरेज कमांड अच्छी तरह से अप्लाई हो, अगर आप सेंटर में क्लिक करेंगे फिर नहीं होगा, इस तरह आपने सिलेक्ट करना है क्रॉस में। तो क्योंकि ये जितनी बार आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो उतनी बार ये वर्टेक्स आपके ये जो लाइन्स हैं ये आपकी बनती जाएंगी, तो इनको ये फिर आप डिलीट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये 5-6 गठी लाइन्स होती हैं, तो आपने इनको डिलीट करने में काफ़ी सारा टाइम आपको लग जाएगा। तो आप यहाँ से अरेज करें और सबको इकट्ठा आप सिलेक्ट करें क्रॉस में, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट क्लिक कर लें, और जो एरिया आपका ऐसे अगर सिलेक्ट हो गया तो उसके लिए मैं
यू एंटर करता हूँ, देखता हूँ यू से काम होगा कि नहीं। ओके यू एंटर करेंगे तो जो आपका, अगर आपने गलती से कोई और एरिया सेलेक्ट कर लिए तो उसके लिए आप यू एंटर कर लें, अंडू आपकी अंडू कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी। ओके आप राइट क्लिक करें तो अरेज हो गया है। अगर कोई जगह रहती है तो आप गौर से देख लें, तो कोई जगह नहीं रहती। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3D व्यू में इसको लेके जाना है, आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाएं। अब इसमें आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप इसमें हम रीजन कमांड अप्लाई कर सकते हैं, रीजन कमांड अप्लाई करिए, क्योंकि ये अलग अलग से हैं। देखें ये कंप्लीट आपका, देखें ये अलग है, ये अलग है, तो आप इसके लिए रीजन कमांड या बाउंड्री कमांड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं अगर रीजन अप्लाई करके आपको बता देता हूँ, REG एंटर कर दूँ और इसको, या फिर आप नॉर्मल आप चाहते हो एक्सट्रूड हो जाए तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक एंटर, और इसको मैं अगर एक्सप्लोर करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 2 फुट इसको एक्सप्लोर करता हूँ, 2 फिट एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर वाले जो हैं हमारे पास, यहाँ देखें हम इसको शेड देता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से वायर में जाकर इसको शेड देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक्सप्लोर तो हो गया, लेकिन देख सकते हैं अंदर वाला हिस्सा इसका खाली है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। कंट्रोल जेड करता हूँ, और अगर आप इसको रीजन करके अप्लाई करेंगे फिर भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर वाला हिस्सा जो, ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करें, प्रेस पुल पे क्लिक करें और सेंटर से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इसको प्रेस पुल करते जाएं, कितना, 2 फिट ये 5 फिट आपकी मर्जी है, मैं 5 फिट करता हूँ, देखता हूँ। ओके 5 फिट आप कर लें इसको, कंट्रोल जेड, अगर गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लें। और अब मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ प्रेस पुल कमांड, सिलेक्ट करें एंड 2 फिट सिलेक्ट करें इसके सेंटर से, और 2 फिट सेंटर से सिलेक्ट करें एंड 2 फिट। तो इन सबको आपने इसी तरह यही काम करना है, और इसी तरीके से आपने सेंटर से सिलेक्ट करना है और 2 फिट के फासले पे आप इसको ले जाएं, या इसके अलावा आपकी मर्जी, आप जितना भी इसको वो देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सट्रूड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कमांड यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कमांड है जो कि आपके पास ऑटोकैड 2007 में नहीं होती थी। ऑटोकैड 2007 में काफ़ी सारी कमांड जो थी वो हिडन थी, तो आपको, हमें पता नहीं चलता था कि कौन कौन सी कमांड रहती हैं, कौन कौन सी हमने की है, हिडन कमांड थी। तो यहाँ पे इसमें सब की सब सामने आपको नज़र आ रही होती हैं, मीन आपके इसमें क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके अलावा जो इसका रिबन है, इसमें सारी की सारी कमांड पड़ी हुई होती हैं, तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं कमांड्स को। टू फिट ओके देखें, तो ये हमारे पास 3D में आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, रोटेट करना है और शेड भी देना है, तो शेड के लिए मैं यहाँ पे शेडेड ग्रे करता हूँ, या फिर मैं इसको शेड देता हूँ जी, इलास्टिक शेड देता हूँ एंड इसको अब मैं 3D में रोटेट करना चाहूँगा। तो 3D में रोटेट करने के लिए आपने क्या करना है, रोटेट के लिए RO और यहाँ पे 3D रोटेट लिखा हुआ आ जाएगा, देखें क्लिक करें इसके ऊपर और अपने ऑब्जेक्ट सारे सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और अपने यहाँ से ये लें और इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर लें, 90 लिख के एंटर करें। ओके तो आपका ऑब्जेक्ट देखें रोटेट हो गया, और ये देखें आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, देख सकते हैं, और ये 3D टेक्स्ट भी आपका बन गया। इसको और भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रेस पुल कमांड अगर और भी ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स का चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसके फेसेस, इसके फ्रंट फेस का भी कलर चेंज कर सकते हैं आप। देखें मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसका फेस सिलेक्ट होता है कि नहीं, तो उसके लिए मैं
यहाँ पे सॉलिड ट्रे में जाता हूँ और कलर फेसेस पे क्लिक करता हूँ। फेस, ये हमारे पास फेस है इसका फ्रंट, एंटर, उसका कलर चेंज करता हूँ मैं, देखता हूँ। देखिए आपका इसका कलर भी चेंज हो गया, देख सकते हैं 3D में भी इसका कलर चेंज हो गया। तो आप फेसेस को सिलेक्ट करें, फेसेस सिलेक्ट करें, सॉरी गलत हो गया, तो यू एंटर करें, फिर यू, तो आप यहाँ से इसका फेस भी सिलेक्ट करके आप इस पर भी कलर दे सकते हैं। तो शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको यहाँ से इस तरह मूव करें ताकि आपको आसानी से ये इसको इस तरह यहाँ से ऐसे मूव करें ताकि इजीली आपको फ्रंट इसका नज़र आए और आप इसको कलर दे सकें। और यहाँ से आप फेस को इसको सिलेक्ट करें, देखेंगे ये फेसेस, और राइट क्लिक करें, स्पेस प्रेस करें, कलर दें। मटेरियल भी दे सकते हैं आप इसमें, मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मटेरियल के लिए ए एंटर करता हूँ मैं, देखता हूँ, ए एंटर करें। हमने मटेरियल अभी तक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि मटेरियल भी आप दे सकते हैं। स्पेस स्पेस प्रेस करें, बाय लेयर में आपने मटेरियल का क्या नाम है वो मटेरियल का नाम आपने देना है। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल का कोई नाम नहीं दिया हुआ। और यहाँ से आप शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और देख सकते हैं हमारे पास ए टेक्स्ट, कलर भी इसका चेंज हो गया देख सकते हैं, और शेड भी आ गया इसमें। और आप ज़बरदस्त सा एक टेक्स्ट इसी तरह ड्रॉ करें, और मतलब टेक्स्ट आप इसी तरह लिखें और उसे 3D में उसे क्रिएट करें, आप 3D में टेक्स्ट को लिखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। और यही टेक्स्ट जो है आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी टेक्स्ट को आपने, एक और काम करते हैं कि एक एक्सट्रूड बॉक्स में लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये भी काम अभी अप्लाई करके देख लेता हूँ कि इसमें काम करेगा कि नहीं। ओके मूव करें टेक्स्ट को, एंटर, सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, बल्कि इसको यहाँ से मूव कर लें, एम एंटर, तो पीछे मूव कर दूँ ताकि मैं आसानी से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकूँ। और यहाँ से एम एंटर सिलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक, और यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, इस पॉइंट से उठाता हूँ, ओके देखें आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट ज़बरदस्त सा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और इसमें कितना ज़बरदस्त हमारे पास इफेक्ट भी अप्लाई हो गया देख सकते हैं। तो ये था जी टेक्स्ट कमांड, और टेक्स्ट को आप किस तरह 3D में लिखते हैं और इस पर किस तरह काम करते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।